अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप हीलियम टैंक को के ब्लैक बॉक्स को यूज़ करते हुए कैसे ब्रांड्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ब्रांड्स को फाइंड करना आप जंगल स्काउट से भी कर सकते हैं, आप कीपा से भी कर सकते हैं, पर आज के हमारे इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि हीलियम टैंक को यूज़ करते हुए कैसे आप ब्रांड्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो आपने सबसे पहले हीलियम टैंक के बाय बॉक्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ फिल्टर्स हैं जो आपने में फील्ड्स एंटर करके, तो आपके पास ब्रांड्स, अच्छी ब्रांड्स आ जाएंगी। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, तो आप देख रहे हैं प्राइस। तो प्राइस जो है वो मिनिमम आपने चेकआउट करनी है, वो आई थिंक एज अ पर्सनल ओपिनियन आपको मिनिमम 7 रखनी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें आपको प्रॉफिटेबल नहीं होती, तो उनको बार बार चेकआउट करना आपके लिए ये एक टाइम वेस्ट हो सकता है। तो क्योंकि जब आप 6 से नीचे कोई भी प्रोडक्ट आप FBA ऑब्वियसली कर रहे हैं, तो FBA के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें मिनिमम जो फीस होती हैं FBA की, वो 3.4838 समथिंग लाइक दिस अराउंड अबाउट इसके राउंड अबाउट नंबर होता है वो। तो अगर वो 3.8 अगर आप फीस पे कर देंगे और उसमें से फिर आपकी जो सोर्सिंग है उसके ऊपर भी बजट आना है, तो वो ऑब्वियसली आपको कोई $1 या समथिंग सेंट्स की तो मिलेगी नहीं, तो वो भी अराउंड $2 to $5 की मिलेगी आपको सारी उसकी सोर्सिंग वगैरह करके। उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई जो है आपको है प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो उससे आपको करना चाहिए कि आपको मिनिमम जो है वो आपको 7 रखनी चाहिए। तो उसके बाद आपका रिव्यू काउंट है, तो रिव्यू काउंट भी अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेल्स लो रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट हैं वो आपके पास नहीं शो होंगी। अक्सर इस तरह होता है कि हम अमेज़ॉन का क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं तो 100 सेल्स इक्वल टू 1 रिव्यूज़, तो अगर अच्छी सेल्स वाली प्रोडक्ट है तो उसके रिव्यूज़ भी अच्छे होंगे। तो इस तरह की आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ हाई सेल्स, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स शो हो, तो आप रिव्यू काउंट भी इनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, पर नॉर्मली इसको एम्प्टी छोड़ा जाता है। उसके बाद रिव्यू रेटिंग है, तो रिव्यू रेटिंग में यहाँ आपने रखनी है 4 मिनिमम, 4 रखनी है यहाँ पर, ताकि 4 से नीचे वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शो ना हो, क्योंकि उसमें आपको नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं जो आपके लिए एक परफॉर्मेंस लेवल को के लिए नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपकी मंथली सेल्स आ जाती हैं, तो मंथली यूनिट सेल, तो इसको आपने मिनिमम रखना 300 के, 300 यूनिट्स वो प्रोडक्ट के मंथली सेल होते हैं। और बेस्ट सेलर रैंक जो है वो आपने रखना है 1 to 2, आप रख सकते हैं 40,000 to 30,000 की है। तो आप नॉर्मली 40,000 तक रखे हैं तो आपके पास अच्छी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स, नंबर ऑफ़ सेलर्स आप मिनिमम रखेंगे, मिनिमम 3 सेलर्स रखेंगे आप। इससे क्या होता है कि जितनी भी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, वो यहाँ से आपको शो नहीं होगी, क्योंकि अक्सर होता है कि जो प्राइवेट लेबल होते हैं वो फॉर सम रीज़न उनकी उन्होंने अपने साथ ही मीटू कर किया होता है, तो इस तरह की जो प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनको इग्नोर करने के लिए मिनिमम जो सेलर्स हैं उनको आप 3 रखते हो, और मैक्सिमम आप जैसे जितने चाहे वो रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, वो इट्स अप टू यू। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आना आपको शो हो, तो वो यहाँ पर वेरिएशन काउंट आप लिख सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम। उसके बाद वेट है, तो वेट आप क्योंकि ये टोटल आपने FBA करना होता है, तो FBA यहाँ पर आप वेट को भी एंटर कर सकते हो, पर क्योंकि अभी आप ब्रांड्स फाइंड आउट कर रहे हो
प्रोडक्ट्स फाइंड आउट नहीं कर रहे तो यहाँ पर आप पेट एंटर नहीं करोगे। तो इसके बाद आप सर्च पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास रिजल्ट में आपके पास ब्रांड्स विजिबल हो जाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हमको डाउनलोड CVS कर सकें या फिर यहाँ पर सॉर्ट आउट करके उनको चेक कर सकें, नंबर ऑफ सेलर्स लोएस्ट टू हाईएस्ट, इस तरह हम इनको सॉर्ट करने के मल्टीपल यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, जिस तरह भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं उनको। तो बेहतर ये है कि आप उनको उसकी एक एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें। एक्सेल फाइल में क्या होगा, आप फुलफिलमेंट बाय अमेजोन FBA यहाँ पर शो हो रहा है और आपके पास यहाँ पर साथ में ब्रांड्स आ गई हैं, तो ये यहाँ पर आप देखें ब्रांड्स यहाँ पर इस तरह आपके पास शो हो जाएंगी। और इसको आप स्टार्ट करने का जो एक ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक एफिशिएंट वे है हमारे पास, कि हम यहाँ पर जाकर फिल्टर लगाकर BSR को मिनी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, जितना जो बेस्ट जिन ब्रांड की बेस्ट प्रोडक्ट्स सेल हो रही हैं अमेज़ॉन के ऊपर वो हमें पहले शो हों और उसके बाद हम मैं दूसरी ब्रांड शो हूँ। तो इस तरह क्या करते हैं आप, इस तरह आप ब्रांड्स फाइंड आउट कर लेते हो। अब ये क्या है कि हमारे पास देखिए ब्रांड्स हैं और उनकी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो अब ब्रांड्स के साथ साथ हम उनकी प्रोडक्ट्स चेकआउट करेंगे कौन कौन कितनी प्रोडक्ट्स उनकी अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही हैं। अभी यहाँ पर देखें कि असाइड बिसाइड ये ब्रांड है, आप उन्हें उसको वन यहाँ पर ऐसे टाइटल कीवर्ड रिसर्च अपने वही सारे आपके टोटल फिल्टर्स थे, बस आपने एक कीवर्ड सर्च में एक असाइड बिसाइड वो ब्रांड का नाम एंटर कर दिया। अब ब्रांड का नेम एंटर करते होते आपके पास 9 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो ये 9 प्रोडक्ट्स जो आपने फाइंड आउट किए हैं वो आपने उस एक्सेल फाइल में एंटर कर लेना, और इसी तरह आपने सारी फाइल को इसी तरह मेंटेन करना है। और जब आप ये सब मेंटेन कर लोगे तो गूगल से आप उनकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं, जो कि आपके बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस से निकालकर डिजिटल बिजनेस की दुनिया में ला सकती है और आपके काम को डिजिटलाइज कर सकती है। हम हर तरह की वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, SEO, WordPress डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, Amazon सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, फ्रीलांसिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको अपने बिजनेस में किसी किस्म की कंसल्टेंसी या वर्चुअल सर्विस चाहिए तो आज ही रब्ता कीजिए व्हाट्सएप 00971-565-499-494 या ईमेल कीजिए info@thereateofpefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे रब्ता करेगी।